बांग्लादेश से बड़ी खबरों आने के सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच एक जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि बांग्लादेश की संसद भंग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया था, अंतरिम सरकार का गठन जल्द होगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश की संसद अब भंग कर दी गई है, क्योंकि अब अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन किया जाना है। और जो इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बीएनपी चीफ खालिदा जिया के हाथों में कमान एक बार फिर से सौंपी जा सकती है। बताते हैं कि बांग्लादेश के आखिर कौन से वो मंदिर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, कौन से मंदिर कट्टरपंथी भीड़ के निशाने पर हो सकती है। तो बांग्लादेश में 7 शक्तिपीठ हैं और भवानीपुर शक्तिपीठ, बोगरा बोधेश्वरी शक्तिपीठ, ये तमाम वो मंदिर हैं जो माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर भी हमला हो सकता है, ये भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ सकते हैं। तो कुल 7 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, मुख्य मंदिर वहां पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो कि कट्टरपंथियों के टारगेट पर है, वो कौन कौन से शक्तिपीठ हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर सामने है। कालागुल शक्तिपीठ, जयंती बामोजोंगा शक्तिपीठ जो कि सिलहट में है, बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग शहरों में जो 7 शक्तिपीठ है उसके बारे में हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि ये तमाम शक्तिपीठ इस वक्त कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। आपने देखा कि ढाका में कैसे मंदिरों पर हमला किया गया, ढाका के अलावा अन्य जिलों में ग्रामीण इलाकों में कैसे मंदिरों पर हमला किया गया, अब ये जो प्रमुख 7 शक्तिपीठ हैं ये भी टारगेट पर हैं।